हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने एमएस टकाटक ऐप को अपडेट करना चाहते हैं बट आपका एमएस टकाटक ऐप वहां पे अपडेट हो ही नहीं रहा? क्या आप जानना चाहते हैं कि एमएस टकाटक की अपडेटिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। सो यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पे है और हमें यहाँ पे एमएस टकाटक की अपडेटिंग प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एमएस टकाटक की अपडेटिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सर्च फॉर ऐप। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना एमएस टकाटक। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है एमएस टकाटक। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेटिंग फॉर डाउनलोड शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इसे ही ठीक करना है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हमें इसे कट कर देना है और अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें नीचे में स्क्रॉल करना है। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ ऐप मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको अपने फोन में ढूंढना ऐप मैनेजमेंट। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ऐप लिस्ट। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ गूगल प्ले स्टोर। चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टोरेज यूज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने गूगल प्ले स्टोर की चेस डाटा को क्लियर कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है चेस। उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं कि क्लियर चेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए हम क्लियर चेस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लियर चेस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा चेस डाटा क्लियर हो चुका है, तो चलिए हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें यहाँ पे अपने फिर से अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे फिर से अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमएस टकाटक ऐप अपडेटिंग होना स्टार्ट हो गया है और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एमएस टकाटक ऐप अपडेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने एमएस टकाटक ऐप की अपडेटिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।